નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ નવ આપણું વિકાસ પરીક્ષાક્ષી એસાઈનમેન્ટ જેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી રહ્યા છીએ જેમાં આજે આપણે વિષય હિન્દી વિભાગ ડી જે લેખન વિભાગ છે એમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક એકત્રીસમાં પત્રલેખન જે છે આજે આપણે ભણવાના છીએ અગાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સેક્શન એ સેક્શન બી સેક્શન સી અને સેક્શન ડીમાં પ્રશ્ન નંબર એકત્રીસ સુધીના તમામ પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ જો તમે તેના વિડીયોસ નથી જોયા તો તેની લિંક નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તેને જરૂરથી જોઈ આવજો સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર ગુજરાતી ગણિત હિન્દી અંગ્રેજી વિજ્ઞાન સમાજ સંસ્કૃત આ તમામ વિષયનું સોલ્યુશન અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન લાઈવ થઈ ચૂક્યું છે જો તમે તેના વિડિયોસ નથી જોયા તો તેની લિંક પણ નીચે વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે તેને જરૂરથી જોઈ આવજો આગળ વધતા પહેલાં તમારા માટે એક ખુશખબર છે કે વિકાસ પરીક્ષાક્ષી અસાઇનમેન્ટ જે આપણને પ્રથમ પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ માટે આપેલું છે જે આપણને આદર્શ પ્રશ્નોપત્ર સહિત આપ્યું છે તે તમે હવે ઘરે બેઠા મંગાવી શકો છો જી હા વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈપણ પ્રકારના એક્સ્ટ્રા ડિલિવરી ચાર્જ ચૂકવ્યા વગર તમે હવે એ અસાઇનમેન્ટ ઘરે બેઠા મેળવી શકો છો ઘરે બેઠા અસાઇનમેન્ટ મેળવવા માટે આપણો વોમ વોટ્સએપ નંબર સિક્સ થ્રી ફાઇવ ફોર ટુ સેવન થ્રી એટ થ્રી પર કોન્ટેક કરીને તમે વધુ માહિતી મેળવી શકો છો આગળ વધીએ प्रश्न क्रमांक एकत्रिस कहे छे निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए पहलू छे अपने मित्र को अपने विद्यालय में किए गए वृक्षारोपण का वर्णन पत्र में लिखकर कीजिए तो कई रीते एड्रेस आपका पता नीचे तारीख लखनऊ पी नाम हो लिखा प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल रहोगे मैं तुम्हें अपने विद्यालय में हाल ही में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस मनाया गया इस अवसर पर सभी छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर पौधों को लगाने का निर्णय लिया विद्यालय के प्राचार्य ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को वृक्ष के महत्व के बारे में बताया उन्होंने बताया कि वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं हमने विद्यालय के खेल के मैदान में एक बड़ी जगह चुनी जहाँ हमने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जैसे नीम पीपल बड़ और अमरुद अभी सभी छात्रों ने उत्साह से भाग लिया और पौधों को रोपने में मदद की कुछ छात्रों ने मिट्टी को खोदने में मदद की जबकि दूसरों ने पौधों को सही तरह के से रोपने का कार्य किया कार्यक्रम के अंत में हमने संकल्प लिया कि हम इन वृक्षों की देखभाल करेंगे और इन्हें उन्हें बढ़ने देंगे यह अनुभव न केवल हमें वृक्षारोपण की प्रक्रिया के बारे में सिखाया बल्कि हमें पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाया एंड मखवा मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लो और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करो चलो हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को बेहतर बनाएं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी सर धन्यवाद और शुभकामना पच्छा यहाँ तमारू एट लखनार नाम लखवा आगे बीजू आपने एड्रेस है पूछे एड्रेस ના આધારે જે છે આપણે પત્ર લખવાનો છે તો પત્ર લખીશું 10 नर्मदा টাઉનશિપ માંડલ રોડ વડોદરા પછી તારીખ લખ નાખવાની અનિલ વર્મા જે લખનાર છે પછી માં એડ્રેસ લખી નાખવાનું સુરત લખવાનું પ્રિય અનિલ સપ્રેમ નમસ્કાર आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होगे मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें रक्तदान के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं अगर लखवानूँ रक्तदान एक महान कार्य है जो न केवल किसी की जान बचाता है बल्कि मानवता की सेवा का एक अनमोल तरीका है हम सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी कारणवश रक्त की आवश्यकता होती है जैसे दुर्घटनाएं सर्जरी या गंभीर बीमारियां ऐसे समय में रक्तदान करके हम उनकी जिंदगी में एक नया अवसर ला सकते हैं रक्तदान के कई लाभ हैं सबसे पहले यह किसी का किसी की जान बचाने में मदद करता है दूसरा नियमित रक्तदान करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है इसके अलावा रक्तदान से हमें मानसिक संतोष भी मिलता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं अगर लखीशु मैंने हाल ही में एक रक्तदान शिविर में भाग लिया और वहां मैंने देखा कि किस तरह रक्तदान से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आता है यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस काम में आगे जाओ और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करो आशा है कि तुम इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लोगे तुम्हारे विचारों का इंतजार रहेगा सर धन्यवाद और शुभकामनाएँ अपने लखनार नाम है नाखवा त्रीजों पत्र अपन ने कहे कि चौ चौमालीस आदर्श सोसाइटी विरमगाम निकिता मुंबई निवासिनी अपनी सखी को मोबाइल के लाभ हानि बताते हुए पत्र लिखती है तो यहाँ चौ चुमालीस आदर्श सोसायरम तारीख लखनाखानी प्रिय सखी सप्रेम नमस्कार आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होगी आज मैं तुम्हें मोबाइल फोन के लाभ और हानियों के बारे में लिखना चाहती हूँ जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है लाभ संवाद की सुविधा मोबाइल फ़ोन में माध्यम से हम दूरियों को समाप्त कर सकते हैं किसी भी समय कहीं भी अपने दोस्तों को परिवार से जुड़ सकते हैं से सूचना की उपलब्धता इंटरनेट के जरिए हम ताज़ा समाचार ज्ञानवर्धक सामग्री और शैक्षणिक सामग्री आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यह हमारे ज्ञान को बढ़ाता है तो हानि शू शू थे आवश्यकता से अधिक निर्भरता कई लोग मोबाइल पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि वास्तविक जीवन के संबंध प्रभावित होने लगते हैं स्वास्थ्य समस्याएं मोबाइल का अत्यधिक उपयोग आंखों गर्दन और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है मोबाइल फोन के उपयोग में संतुलन बनाए रखना जरूरी है हमें इसके फायदों का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम इसके हानिकारक प्रभावों से बच सके आशा है कि तुम इस पर विचार करोगी तुम्हारी राय जानने के लिए उत्सुक हो सर धन्यवाद और शुभकामनाएं तुम्हारी सखी પછી આપણને ચોથો પત્ર આપ્યો છે જેમાં 20 विद्या सदन ગાંધી રોડ વિસનગર સે अरुणा સુરત નિવાસીની apni સખી રીટા કો રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી કા મહત્વ સમજાકર હિન્દી કી પરીક્ષા દેને કા અનુરોધ karte hue પત્ર લખતી હૈ તો ભઈ 20 विद्या सदन ગાંધી રોડ વિસનગર તારીખ આઈ પી છે પ્રિય રીટા સપ્રેમ નમસ્કાર મુજે લખવાનો આશા હે કી તુમ સ્વસ્થ ઓર ખુશાલ હોગી आज मैं तुम्हें राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ जो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति पहचान और भावनाओं का प्रतीक है यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है पहलो सांस्कृतिक पहचान हिंदी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को और परंपराओं को व्यक्त करने का माध्यम है इसके माध्यम से हम अपनी धरोहर को संजोकर रख सकते हैं पची संवाद की सुविधा देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदी बोलने वाले लोग आसानी से संवाद कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है अगर से शैक्षणिक और व्यावसायिक उपयोग आज के समय में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और व्यवसायों में हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो गया है इसे सीखने से हमें अनेक अवसर मिल सकते हैं वैश्विक स्तर पर पहचान हिंदी भाषा का उपयोग केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है इससे हमें वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है अब जब तुम्हारी हिंदी की परीक्षा नज़दीक है तो मैं तुम्हें गंभीरता लेने का अवरोध अनुरोध करती हूँ हिंदी का ज्ञान तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोलेगा पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम अच्छे हिंदी साहित्य का अध्ययन करोगी तो तुम्हारी भाषा और और भी समृद्ध होगी मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे अंक से प्राप्त होगी तुम्हारी सफलता की कामना करती हूँ जल्दी से जवाब देना धन्यवाद और शुभकामनाएं तुम्हारी सखी अरुणा पे अपन ने पांचमो पत्र विशाल अपार्टमेंट गांधीनगर से मनन पटेल वडोदरा में रहने वाले अपने मित्र अनुराग को बस स्टेशन का आंखों देखा हाल लिख भेजता है तो भाई विशाल अपार्टमेंट गांधीनगर तारीख लखना खानी प्रिय अनुराग सब प्रेम नमस्कार आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे आज मैं तुम्हें बस स्टेशन का हाल चाल बताना चाहता हूँ जो मैंने हाल ही में देखा है जब मैं बस स्टेशन पहुंचा तो वहां कि चहल पहल मेरा ध्यान खींचा सुबह का समय था और यात्रियों की भीड़ लगी थी हर तरफ लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे स्टेशन के एक कोने में यात्रियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था थी जहां कुछ लोग अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे स्टेशन पर एक लंबी कतार थी जहां लोग टिकट लेने के लिए खड़े थे मैंने देखा कि कुछ लोग अपने मोबाइल पर यात्रा की जानकारी देख रहे थे जबकि अन्य अन्य अपने दोस्तों या परिवार से बातचीत कर रहे थे बसों की आवाजाही भी निरंतर थी कुछ ही बसें आती कुछ जाती और ड्राइवर तेजी से अपनी गाड़ियों को संभालते हर बस के पास एक अलग माहौल था कुछ में यात्रियों की खुशी थी तो कुछ में थकान का एहसास स्टेशन के आसपास दुकानदार भी थे जो चाय नाश्ते और अन्य सामान बेच रहे थे मैंने एक चाय की दुकान पर रुककर एक गर्म कप चाय का आनंद लिया चाय के साथ वहाँ की बातचीत ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया जैसे ही मैंने स्टेशन के बाहर कदम रखा मैंने देखा कि स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा और टैक्सी खड़ी थी जो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए तत्पर थी यह अनुभव मेरे लिए काफ़ी रोचक था और मैं तुम्हें भी यह बताना चाहता था कि जब तुम वड़ोदरा आओ तो इस बस स्टेशन की चहल पहल का अनुभव ज़रूर लेना तुम्हारे उत्तर का प्रतीक्षा रहेगा સહધન્યવાદ ઓર શુભકામના એ તું મિત્ર મનન પટેલ તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં એટલું જ આજે આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક એકત્રીસ વિશે અભ્યાસ કર્યો મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે આપણા અસાઇનમેન્ટનો છેલ્લો પ્રશ્ન પ્રશ્ન ક્રમાંક બત્રીસ વિશે સંપૂર્ણ અભ્યાસ મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઈબ કરો